हरियाणा में तैनात संगीता कालिया को उन तेजतर्रार अधिकारियों में से जाना जाता है जिन्होंने एसपी की पोस्ट पर रहते हुए भी प्रदेश के गब्बर कहलाए जाने वाले बीजेपी के एक मंत्री से पंगा लिया था और इसकी उन्हें सजा भी भुगतनी पड़ी थी। मौजूदा वक्त में रेलवे में एसपी के पद पर कार्यरत संगीता की 27 नवंबर 2015 को फतेहाबाद में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से बहस हो गई थी। विज यहाँ कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करने पहुँचे थे। इस बैठक में एक शिकायत की सुनवाई के दौरान विज ने संगीता कालिया को गेट आउट कह दिया था, लेकिन एसपी कालिया बैठक से बाहर नहीं गई और विज को खुद ही बैठक छोड़कर जाना पड़ा। स्वास्थ्य मंत्री से पंगा लेना उन्हें भारी पड़ा और उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। फतेहाबाद में कड़ी निवारण समिति की इस बैठक में नशे की बिक्री से संबंधित एक शिकायत पर विज ने संगीता कालिया से जवाब मांगा। एसपी ने जवाब देते हुए कहा कि हमने नशा तस्करों पर एक साल में 2500 केस दर्ज किए हैं। पुलिस किसी को गोली तो मार नहीं सकती। बस इसी बात पर गब्बर का पारा हाई हो गया और दोनों के बीच जबरदस्त कहासुनी हो गई, जिसके बाद बैठक बीच में ही रोकनी पड़ी। संगीता कालिया ने बताया कि उड़ान सीरियल देखकर वो पुलिस में भर्ती होने के लिए प्रेरित हुई है। उनके पिता भी फतेहाबाद पुलिस में पेंटर की नौकरी से रिटायर हुए हैं। उनके पति विवेक कालिया भी हरियाणा में HCS से हैं। उन्होंने बताया कि 2005 में पहली बार UPSC परीक्षा दी, लेकिन 2009 में तीसरे प्रयास में परीक्षा पास करने में सफलता हासिल हुई। एसपी कालिया वो चेहरा है जिन्होंने 6 नौकरियों को ठुकरा कर पुलिस विभाग ज्वाइन की है। एसपी कालिया ने बताया कि बचपन से ही वर्दी पहनने का शौक था और इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। उन्होंने बताया कि वर्दी पहनते समय सौगंध खाई थी कि उनकी आन बान शान पर कोई दाग नहीं लगेगा और इस सौगंध पर अब तक निभाती आ रही हैं। मैंने ना तो कभी झूठ का सहारा लिया है और ना ही लूंगी। उनके पिता जिस साल पुलिस महकमे में रिटायर हुए थे उन्होंने हरियाणा पुलिस में IPS के पद पर ज्वाइन किया था। फतेहाबाद में महिला थाना की बिल्डिंग बनवाने का श्रेय भी SP संगीता कालिया को ही जाती है। इसके अलावा कई ब्लाइंड मर्डर केस भी उनके नेतृत्व में फतेहाबाद पुलिस ने सुलझाए हैं। विज से बहस के बाद फतेहाबाद में उनका ट्रांसफर रेवाड़ी जिले में हो गया था। अब वो रेलवे में SP के तौर पर कार्यरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, 1 न्यूज।